आजकल की जनरेशन बहुत सारा टाइम हेडफोन्स ईयरफोन्स ये सब पहनने में बिताती है, सारे गेम्स म्यूजिक और ये सब वही पे चलता है, लेकिन ये क्या सही है? तो हाई क्रेजी पब्लिक, आज हम बात करने वाले हैं ज्यादा टाइम हेडफोन्स पहनने से क्या होता है। कुछ कुछ लोग रात को सोते समय भी हेडफोन्स पहनकर ही सोते हैं रात भर। चलिए इस टॉपिक पर थोड़ा सा डिटेल में बात करते हैं। सबसे पहली चीज जो हो सकती है वो है हियरिंग लॉस। ज्यादा लाउड वॉल्यूम पर हेडफोन्स यूज करना हियरिंग लॉस का सबसे बड़ा रीजन है। ज्यादा देर तक हाई डेसिबल साउंड लेवल्स आपके कानों के डेलिकेट हेयर सेल्स को डैमेज कर सकते हैं। ये डैमेज परमानेंट हो सकता है जिससे आगे जाके आपको हियरिंग के इश्यूज बढ़ सकते हैं। दूसरी चीज आती है ईयर इन्फेक्शंस। लंबे समय तक हेडफोन्स पहनने से कानों में पसीना जमा हो जाता है जो बैक्टीरिया की ग्रोथ के लिए एक सही एनवायरनमेंट बनाता है। इससे ईयर इन्फेक्शंस का रिस्क बढ़ जाता है। रेगुलरली हेडफोन्स क्लीन ना करने से भी बैक्टीरिया वहां पे जमा हो सकता है और आपके कानों को परेशान कर सकता है। और हेडफोन्स भी टूथब्रश की तरह होते हैं, वो किसी के साथ अगर आप शेयर करते हैं तो उसके ईयरबड्स या हेडफोन्स के अंदर जो बैक्टीरिया होगा वो आपके कानों में भी घुस सकता है और आपको ईयर इन्फेक्शंस हो सकता है। तीसरी चीज आती है ईयर पेन और डिस्कम्फर्ट। हेडफोन्स पहनने से कंटिन्यूस प्रेशर आता है कानों पे और सराउंडिंग एरियाज पर भी, जो पेन और डिस्कम्फर्ट कॉज कर सकता है। अगर आपके हेडफोन्स और ईयरबड्स की फिटिंग सही नहीं है तो ये प्रॉब्लम और भी ज्यादा बढ़ सकती है। चौथी चीज है नॉइस इंड्यूस्ड स्ट्रेस। कॉन्स्टेंट नॉइस के एक्सपोजर से स्ट्रेस लेवल बढ़ सकते हैं, आप ज्यादा थकोगे मेंटली और कॉन्सेंट्रेशन करने में आपको प्रॉब्लम होगी। प्रोलॉन्ग्ड यूज से टिनिटस हो सकता है, एक ईयर के अंदर रिंग बजती रहती है, मतलब हमेशा ऐसे देखो, जो डेवलप हो सकती है और बहुत डिस्ट्रेसिंग और डिस्ट्रैक्टिंग हो सकता है। इसमें आपके कान में हमेशा एक आवाज सुनने में आती रहेगी, जैसे दबंग में हुआ था जब एंड वाली फाइट में सलमान खान किसी को मारता है दोनों हाथ से और उसके कान में वो आवाज बजती रहती है। पांचवी चीज है सोशल आइसोलेशन। कंटिन्यूस हेडफोन्स यूज करने से आप आपके सराउंडिंग एनवायरमेंट और लोगों से डिस्कनेक्टेड फील करते हैं। ये सोशल आइसोलेशन और लोनलीनेस का रीजन बन सकता है। हेडफोन्स पहन के आप आपके सराउंडिंग्स और पोटेंशियल डेंजर जैसे कि ट्रैफिक से अनअवेयर हो जाते हैं, जो कि आपकी सेफ्टी के लिए भी एक प्रॉब्लम हो सकता है। इमेजिन करें आप आपका फेवरेट सॉन्ग सुन रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, लेकिन वॉल्यूम लो पे है और मतलब आप उसको कंट्रोल कर रहे हैं ब्रेक्स लेते हुए। इससे आपको मैक्सिमम एंजॉयमेंट मिलेगा बिना किसी रिस्क के। अब सबके लिए एक स्पेशल टिप, हेडफोन्स यूज करते वक्त 60/60 रूल फॉलो करें। 60 मिनट्स तक गाना सुने और फिर 10 मिनट का ब्रेक ले और वॉल्यूम 60% से ज्यादा ना रखे। इससे आपके कान सेफ रहेंगे और आप म्यूजिक का एंजॉयमेंट भी ले सकते हैं। मेरे पास एक सैमसंग का फोन है जिसमें मैं म्यूजिक पे वॉल्यूम सेट कर सकता हूँ जब मैं हेडफोन्स कनेक्ट करता हूँ, तो मेरा हेडफोन्स का जो वॉल्यूम है वो मैं चाहूँ तो भी 60 के ऊपर नहीं लेके जा सकता क्योंकि मैंने उसको लॉक लगा के रखा है और पासवर्ड मैं भूल चुका हूँ। तो क्रेजी पब्लिक, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो बड़ा क्रेजी को सब्सक्राइब करो। ये वीडियो उन लोगों के साथ शेयर करें जो पूरा पूरा दिन हेडफोन्स पहने रहते हैं और बहुत लाउड म्यूजिक सुनते हैं। अगर जिंदगी में आप बहुत ज्यादा लाउड म्यूजिक सुनते हो और आपको कुछ समझ में नहीं आता और आपको अगर ये सब अच्छा लगता है तो आप बन जाओगे बड़ा क्रेजी एक बुरे वे में और फिर आपको कुछ सुनाई नहीं देगा।